राम मंदिर वाली अयोध्या से आपको नजारा दिखाएंगे आज, क्योंकि आज बेहद खास होने वाली है अयोध्या का दीपोत्सव दिवाली, क्योंकि अयोध्या में आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है जिसे मनाया जाएगा और एक नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। आपको बताया दीपोत्सव में सीएम योगी शामिल होंगे। दुल्हन की तरह सज चुकी है पूरी अयोध्या नगरी, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या में आज दीपोत्सव को मनाने के लिए, देखने के लिए। न सिर्फ अयोध्या के आसपास बल्कि सभी राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए भगवान राम के, और साथ ही इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी रहेंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहेंगे। आज सरयू घाट पर जो आरती होगी वो भी भव्य रहने वाली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब शोभा यात्रा की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और तमाम राज्यों से जो कलाकार हैं वो आज पहुंचते हैं और इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं शोभा यात्रा की, ये झांकियां तैयार हो चुकी हैं। साकेत विश्वविद्यालय से ये झांकी निकलती है आज के दिन, और उसके बाद पूरी अयोध्या नगरी में भ्रमण करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं झांकी तैयार हो चुके हैं, तमाम जो कलाकार हैं वो आज अपना जो प्रदर्शन है प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं दूर दूर से कलाकार पहुंचे हैं हर राज्यों से जो प्रस्तुति दे रहे हैं, और ये झांकियों के जरिए तमाम राज्यों की जो कलाकृति है जो संस्कृति है वो आज अयोध्या में देखने को मिलती है। और ये अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं, तमाम कलाकार जो अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन जो सुबह से ही जो नजारा होता है अयोध्या का आज के दिन का वो बेहद खास होता है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर दीपोत्सव बल्कि तमाम राज्यों की जो संस्कृति है उसकी झलक भी आज देखने को यहाँ मिलती है। देख सकते हैं आप अयोध्या का ये नजारा, पंजाब के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। दिव्य दीपोत्सव की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अयोध्या नगरी आज किस तरह से सजी हुई है, किस तरह से कलाकार कहां कहां से पहुंचे हैं, कैसी वो प्रस्तुति दे रहे हैं ये देख सकते हैं। ये शोभा यात्रा में ये तमाम जो कलाकार हैं वो शामिल होते हैं, और ये वही की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि साकेत विश्वविद्यालय से ये शोभा यात्रा तमाम कलाकार वहीं पर इकट्ठा होते हैं, तमाम वो जो झांकियां होती है वो वहां से निकलते हुए सीधे मंदिर की तरफ प्रस्थान करती है। आज जो अयोध्या वासी होते हैं उस, और जो दूर दूर से लोग जो पहुंचते हैं इस दिन को मनाने के लिए, इस दिन को खास अपने इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए, वो देखने के लिए जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए भी ये शोभा यात्रा बेहद आकर्षण का केंद्र रहती है। तो ये देखिए ये जो झांकियां हैं वो सजाई गई हैं। तो दीपोत्सव से पहले पूरी अयोध्या फूलों से सजी हुई है। देखिए जरा हमारे सहयोगी भी अयोध्या में इस वक्त मौजूद है, वहां क्या कुछ नजारा है वो दिखाते हैं आपको। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको बता दें कि ये पहला दीपोत्सव है, लेकिन दीपोत्सव की किस तरह भव्य तैयारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कई सौ क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है, और अब हम राम मंदिर के मुख्य गेट पर हैं जहां से आम लोगों की एंट्री होती है। देखिए किस तरीके से सजाया गया है फूलों से, आप देखिए लिखा है जय श्री राम 2024 दीपोत्सव, आपका अभिनंदन करता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आप सभी का हृदय। रंग बिरंगे फूल, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, तरह तरह के फूलों का इस्तेमाल इसमें खास तरीके से किया गया है। वो सजावट आप देखिएगा मुख्य गेट पर, और लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर कोई इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, क्योंकि आपको बता दें ये भव्य और दिव्य और अलौकिक तस्वीर है, ये श्री राम की नगरी अयोध्या की है। और जो कहा जा रहा था कि वाकई में त्रेता युग जैसी अयोध्या को सजाया गया है, तो इसमें कोई दोराय नहीं, लोग खुद कह रहे हैं कि त्रेता युग जैसा अनुभव आ रहा है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ भव्य और दिव्य तरीके से, उसके बाद आप
आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर जो इतनी भव्यता और दिव्यता दिखाई गई है, एक नया रिकॉर्ड भी यहां बनाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम दिए जलाएंगे जो 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। ये देखिए लोग फोटो ले रहे हैं, लोग सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, ये राम मंदिर का मुख्य गेट दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, भगवान श्री राम के यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये तमाम यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं, तो यहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। तो अपने आप में इस बार की दिवाली वो खास है, और खास इसलिए भी बन रही है क्योंकि पहली बार इस तरह का जो नज़ारा है, क्योंकि मुख्य गेट तब बना नहीं था, अब मुख्य गेट बनकर तैयार हो गया है, तो वो अपने आप में अनोखिक अलौकिक नज़र आ रहा है, फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से किस तरीके से इसे सजाया गया है, और हर कोई इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है क्योंकि ये दिवाली भगवान श्री राम वाली, अयोध्या वाली है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार है, एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तो लोग उत्साहित हैं और खुश हैं कि इस बार की दिवाली वाकई में अनोखी होने जा रही है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, अयोध्या।